हे गाइस, अगर आपका कंसर्न है चैप्ड लिप्स, अगर आपके होंठ बहुत ज़्यादा फट रहा है, ब्लाद आ रहा है होंठ से, आप बोरोलिन वेजलिन कुछ भी लगा रहे हो ठीक नहीं हो रहा है, तो आप सही वीडियो पे आए हो। वन मोर थिंग गाइस, डोंट यूज़ चीप लिपस्टिक, लिप बाम और डोंट यूज़ लिप लाइटनिंग क्रीम और स्क्रब। इससे आपका होंठ का कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। सो आज मैं दिखाऊंगी कैसे आप नॉर्मल नेचुरल स्क्रब बना सकते हो होंठों के लिए, जो बहुत अच्छा होने जा रहा है। पिंच ऑफ कॉफ़ी आपको लेना है एंड शुगर ले लेना है, शुगर को थोड़ा सा क्रश करके ले लेना है आपको। देन मैं ऐड किया है थोड़ा सा घी, मैं एक दिन के लिए बना रही हूँ तो मैं इतना क्वांटिटी लिया है। तो अच्छे से आप इस मिक्सचर को रब करो अपने होठों पे, फिर 10 मिनट्स के लिए उसको ड्राई होने के लिए छोड़ दो। एज यू कैन सी, मैंने ड्राई होने के लिए छोड़ दिया था। सो अभी मैं इसको वॉश करूँगी। वॉश करने के बाद इतना ज़्यादा सॉफ्ट सपल लगता है। कॉफ़ी में एक्सफोलिएटिंग एजेंट होते हैं, साथ में ग्लाइकोलिक एसिड होते हैं, चीनी में घी हाइड्रेशन एंड मॉइस्चर प्रोवाइड करते हैं लिप्स को। अगर आप सिर्फ घी को भी अप्लाई करोगे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ओवरनाइट आप रख के देखो, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। एंड वन मोर थिंग, एक्सटर्नल रीजन की वजह से अगर आपके होठों में कोई भी पिगमेंटेशन है वो तो रिमूव हो ही जाएगा। बट गाइस, अगर आपका ये पिगमेंटेशन जेनेटिकली है, यानी कि आपके घर में किसी का है, तो नहीं जाएगा। जैसे कि मेरा लोअर लिप में दोनों साइड में थोड़ा सा डार्कनेस है एंड दिस इज कम्प्लीटली जेनेटिक। बट गाइस, माई लिप्स आर कम्प्लीटली हेल्दी एंड कोई भी डेड स्किन सेल्स नहीं है, क्योंकि मैं वीकली स्क्रब करती हूँ। वीकली ट्वाइस यू स्क्रब योर लिप्स एंड फॉलो अप विद द मॉइस्चराइजर और लिप बाम, इट विल गिव यू द बेस्ट रिजल्ट। एंड गाइस, वन मोर थिंग जो मैंने नोटिस किया है, अगर आप डेली बेसिस में लिप बाम लगाओगे तो आपका लिप्स काफ़ी अच्छा रहेगा एंड डार्कनेस काफ़ी हद तक रिड्यूस भी हो जाता है। सो डेफिनेटली गिव इट अ ट्राई एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इट वर्क फॉर यू और नॉट। Thanks for watching. Bye.